अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एनीस किचन एंड ब्लॉग। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ नए कंटेंट के साथ। और पिछले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ज्वेलर्स के ऐसे बैग्स पड़े थे जो जूट बैग है, जो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे होते हैं, पर उन पर ज्वेलर का नाम मेंशन होता है तो आप बाहर लेके निकलने में हेजिटेट होते हो और वो आपकी अलमीरा की शोभा बढ़ाता रहता है। तो बस मैंने सोचा कि उस कुछ हैक्स ऐसे करूँ कि ये बैग्स यूज़फुल हो जाए और अलमीरा की जगह बजाय मेरे शोल्डर पर ये लटक के मार्केट को ट्रैवल करे। तो बस मैंने थोड़ा सा इसमें हैक ये किया है कि बस चलिए देखते हैं। मैंने इसमें जूट की जो रस्सियाँ होती हैं उनका यूज़ किया है, और बस मैं जहाँ नाम मेंशन है वहाँ पे मैं अच्छे से फेविकोल अप्लाई करा है। आप चाहो तो हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इस पर रैंडम ही ये डोरियाँ चिपकाना शुरू कर दी हैं, और पूरी तरह जितने पे नाम मेंशन है उतने को डोरी को मैं अच्छे से कवर कर दूंगी। और उस वक्त मेरे माइंड में कोई भी डिज़ाइन नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या बना रही हूँ, बस रैंडम मेरे माइंड में आया कि मैं पहले इसको कवर करती हूँ और इसके ऊपर एक क्रॉस सा फिर दूसरे डोरी को चिपका दूँगी। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है इस हैक का। तो बस देखिए डोरियाँ चिपक चुकी हैं, अब इसके ऊपर से मैं क्रॉस करके फिर से चिपका रही हूँ और इसको भी पूरे एरिए को मैं कवर कर दूँगी। आपके पास ये बहुत सारे लोगों के पास ऐसे बैग्स पड़े होंगे जो कि यूज़फुल नहीं होते हैं, पर आप उनमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करके उसके नाम को हाइड करके कुछ डिज़ाइनिंग करके उसको आप यूज़फुल कैरी बैग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है, तो क्यों ना हम अपने जूट्स बैग को अच्छे सा कैरी के लिए बना लें और उनका इस्तेमाल करें मार्केट जाने के लिए। तो देखिए मेरे पास एक बटन पड़ा हुआ था जो कि हमारे पास बहुत सारे रेडीमेड कपड़ों के साथ गारमेंट के साथ अटैच होकर जो आते हैं ये, उनको मैंने उस पर स्टिक कर दिया और ये मेरा लुक तैयार है। तो बस मैंने इस पर एक्राइलिक कलर यूज़ करा है और उसको कलर कर दिया है। कलर शेड हो सकता है, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। अब बैक साइड पे भी था, बैक साइड के लिए मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करती हूँ। तो बस मैं इन डोरियों को राउंड राउंड सर्कल मैंने तैयार कर लिया और इसको मैंने स्टिक करा है हॉट ग्लू से। हॉट ग्लू से चिपका के मैंने राउंड शेप दिया है और इनको मैं सोच रही हूँ कुछ ब्यूटीफुल और कुछ मल्टी कलर दे दूँ। तो बस मैंने इनको ऑरेंज शेड से, ग्रीन शेड से और गोल्डन कलर से सेंटर में इसको कलर कर दिया है। तो ये बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे बनने के बाद। हो सकता है कि आपको वीडियो में उतने कलरफुल ना दिखे, पर एग्जैक्टली ये वीडियो जब मैं कैप्चर कर रही तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे थे। तो ये देखिए फाइनली मेरा लुक तैयार है जूट बैग का। दूसरा DIY मैंने किया है, एक मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ जो मल्टीपर्पज़ यूज़ में आएगा। और ये है कुकर का डब्बा। कुकर के डब्बे को मैंने ऐसे हैंडल के लिए कट कर दिए दोनों साइड से मार्क, और उसको मैंने कट कर लिया। बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अंदर की तरफ एक कार्डबोर्ड और मैं फिक्स करूँगी, और साइड्स के देखिए जो फ्लैप्स बने ये मैं इसको फिक्स करूँगी दोनों साइड्स पर। तो इसको मैं फेविकोल लगा के स्टिक कर लेती हूँ अच्छे से दोनों साइड से, ताकि वो बीच में जब भी नीचे कोई भी सामान रखे तो वो ऊपर नीचे ना हो। तो इसको फिक्स लिए फिक्स अच्छे से नहीं होता, तो मैंने वाटर बॉटल लगा के इसको हेवी थोड़ा भार देके इसको अच्छे से फिक्स कर लिया। इसके बेस को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड और लगा दिया, और उसको कलरफुल करने के लिए उस पर मैंने ये शीट चिपका दी। शीट में बस नॉर्मल वाली जो होती है वही थी प्रिंटेड, जो आप जनरली आप गिफ्ट पैक को रैप करते हो वो वाली शीट्स थी। तो मैंने चारों तरफ इसको लगा के और अंदर की तरफ पिंक लाइट शेड लगा के मैंने इसको बना दिया। थोड़ा सा बच्चे के प्रोजेक्ट वर्क में बच्चे होते हैं, छोटी छोटी सी बिंदी थी कलरफुल ग्लॉसी सी, तो मैंने उनको भी बीच बीच में फ्लावर के बीच में सेंटर में लगा दिया ताकि थोड़ा सा लुक और ब्यूटीफुल हो जाए। तो ये फाइनली देखिए मेरा तैयार है। इसको आप मल्टीपर्पज़ में यूज़ कर सकते हो, ग्रॉसरी के लिए बना सकते हो, ग्रॉसरी के लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो, बच्चों के टॉय के लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो, बच्चों के छोटे छोटे टॉयस होते हैं उनको आप एक जगह स्टोर करके रख सकते हो। साथ ही आप इसको मैंने वाटर बॉटल के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाया, बेसिकली मैंने इसको वाटर बॉटल के लिए तैयार किया। देखिए आप बीच में ऐसे पार्टीशन डालने के लिए आप एक कार्डबोर्ड काट के आप इस बीच में इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, और वाटर बॉटल को आप इसमें फिक्स करोगे तो कोई भी वाटर बॉटल इधर उधर हिलेगी नहीं और बिल्कुल ही फिक्स रहेगी। तो मैं आपको ऑर्गेनाइज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये वाटर बॉटल को मैंने फिक्स कर दिया,
कुछ भी वाटर बॉटल एक दूसरे से लड़के गिरेगी नहीं, अब बिल्कुल ही फिक्स रहेगा। वन साइडेड खाली है तो उसमें आप ग्लास रख दिया, मेरे पास 3 ग्लास ऐसे पड़े थे। अब थोड़ा स्पेस खाली और था तो मैं सोची इसमें और क्या रखती हूँ, तो फिर मैंने इसमें एक टिश्यू पेपर होल्डर था उसको भी मैंने इसमें अरेंज कर दिया। तो ये टिश्यू पेपर होल्डर को भी मैंने इसमें देखिए फिक्स कर दिया है, और देखिए ये लुक आ रहा है टिश्यू पेपर होल्डर के साथ। आप चाहो तो इसको मल्टीपर्पज़ में यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की वायर्स होती हैं, चार्जर्स होते हैं, और बहुत सारे जैसे एक घर में 3-4 मोबाइल होते हैं तो चार्जर बहुत सारे पड़े होते हैं, तो उनको आप चाहे स्टोर करके रख सकते हो इसमें, बच्चों के टॉय रख सकते हो, ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो, आप किचन में भी यूज़ करते हो। बस हाँ, किचन में ऐसी जगह आपको यूज़ करना होगा जो ड्राई एरिया हो, गीला एरिया नहीं हो, क्योंकि कार्डबोर्ड का है तो जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करके ये ख़राब हो सकता है। तो ड्राई एरिया में आप यूज़ करिए, ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही अच्छा है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।